तो हाई फ्रेंड, माय नेम इज मिस्टर के ब्लॉग्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो हाँ जी, सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी संडे, जो कि संडे हमारा बहुत ही स्पेशल दिन होता है। तो आज हम राइड करने वाले हैं। वैसे हम लोग जाने वाले हैं एक इवेंट में, जो कि हम लोग अभी जाएंगे वास्ता दीपी। यहाँ से 37 किलोमीटर है जो हम लोकेशन पे जाने वाले हैं। वैसे हमारी सनम को देख सकते हो, पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और काफ़ी सुंदर भी दिख रही है। ओके, तो हाँ जी, वैसे अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं और टाइम हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे धर्मपुर से। सनम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से अभी निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ओके, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का मोटर ब्लॉग में। वैसे खूबसूरत रास्ता आ चुका है, अभी हम आ चुके हैं। ये मैंने किधर लू ने ओढ़े को कि नहीं ओढ़े को मैंने ते पे लगी ओढ़े को ने तन में मड़वा रे धर्मपुर से आई नंबर हूँ पाछो में आवाज के नहीं तारे बर्थडे में हो रही रस्तो जोईने क्रॉस कर दे। चल हारू। वैसे हम लोग पहुंच चुके हैं खानपुर और हाँ जी, अभी मोटो व्लॉगिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सेटअप थोड़ा सा बिगड़ चुका है और परफेक्ट हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं करेंगे। सीधा आपको जाते हैं वास्ता, सॉरी सीधा जाके वास्ता मिलते हैं। ओके, तो यहाँ से निकलते हैं। तो हाँ जी, वैसे फाइनली धर्मपुर से निकलने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं वास्ता। और वैसे रास्ते में हमने मोटो ब्लॉगिंग छोड़ दी थी क्योंकि हमारा जो वो हेलमेट वाला सेटअप था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और अभी फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब देख सकते हो। तो हाँ जी, अभी फिलहाल यहाँ पे आ पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं और फिर दिखाते हैं जो भी है यहाँ का सीन। और बहुत से लोगों को मिलेंगे अभी जाके। चाय आ चुकी है। हाय गाइस, કેમ છો? હું છું નિસર્ગ પટેલ, BMW શોરૂમ માં છે સુરત, પાર્થભાઈ એ આવેલા છે। એમણે ટેસ્ટ રાઇડ નું આયોજન કર્યું છે વિલેજ બાઇકર્સ ક્લબ સાથે, અને તમે ઘણા બધા દૂરથી અને બધા બાઇકર્સ આવ્યા છે, બાઇકર કમ્યુનિટીના મેમ્બર્સ, તો તમારો કિંમતી સમય આપીને તમે આવ્યા એ બદલ આભાર। થોડી વારમાં આપણે ટેસ્ટ રાઇડ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। એક સ્મોલ ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું છે, લાઇસન્સ નંબર લખવાનું છે, અને બાઇકના ફીચર્સ તમને પાર્થભાઈ જણાવી દેશે। BMW G310R એન્ડ GS310R છે, ઇન્જિન સેમ છે, બસ પાવર અને ટોર્ક આમાં વધારે છે, અને એક સ્પોર્ટ્સ કેટેગરીમાં એડવેન્ચર ટૂરર। એક બીજી આવે છે આપણી RR310, એ આવે એ સ્પોર્ટ્સ કેટેગરીમાં આવે। ફોર્મમાં તમારું બસ ખાલી એક લાઇસન્સ મને આપજો અને મેલ આઈડી આપજો બસ। तो अभी हमारे स्टार्टिंग राइडर जो है वो राइड करने वाले हैं। कैसा लगा आपको वो बताएंगे अभी। अच्छा एक्सपीरियंस था, और चलाने के बाद काफी लाइट वेट हो जाती है और निम्बल बाइक है, इसीलिए कहीं से भी निकल जाएगी झुकझुक करके। लॉन्ग टूरिंग के लिए अच्छा है। और करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना होता है, वो करना पड़ता है, उसके बाद हम टेस्ट राइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे देवांग भाई जो है वो अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो हाँ जी, वैसे अभी हम लोग टेस्ट राइड करने वाले हैं, अभी जाते हैं एंड करते हैं।
तो भाई साहब क्या ही सुनूं भाई और क्या ही हमारे अंकुर भाई अकेले अकेले राइड करके आ चुके हैं। अकेले नहीं, वो साथ में है, वो है। मजा आई भी केटली वाटरफॉल पर क्यों संडे है हम हैप्पी संडे ओके नीलय भाई थोड़ी का बाजू हो गए नीलय भाई केवी ग्री राइड जोरदार जोरदार गर्मी में लेट है ये मैं फुट गई। तो आज अभी एक बज चुका है और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं जो कि बहुत टेस्ट राइडिंग भी कर ली हमने और देख भी लिया सबको मिल भी लिया बहुत ही अच्छा लगा आज का एक्सपीरियंस आज का संडे। और क्या है हमारे अंकुर भाई कुछ बोलना चाहोगे अंकुर भाई? मेरे भाई हम लोग जाने वाले हैं अभी अभी जाना नहीं। तो आज का ये ब्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिस्टर के ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव लाइफ लिव ड्रीम सो भाई।